Question number 15 ke baad 16. Fatima provided the following information. Opening a closing a purchase, what was the rate of inventory turnover? Rate of inventory turnover. Inventory turnover ke saath hai? Inventory turnover ka ek formula hai. Aur wo formula kya hai? Cost of sale upon average inventory. Cost of sale upon average inventory. वर्किंग शो करना जो है वो यहाँ एम सी क्यू में तो ज़रूरी नहीं है, पेपर टू में वर्किंग शो करना ज़रूरी है, लेकिन फार्मूला वहाँ पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर टू में, सही। यहाँ तो आप, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आपको पता है एम सी क्यूज़ में सिर्फ बबल शीट चेक होती है, ये तो चेक होता नहीं है पेपर ना। तो ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, तो यार देखो ओपनिंग में परचेज ऐड करो और क्लोजिंग माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कैसे? 30 में प्लस कर लो 2 लाख, 230 हो गया, 230 में से माइनस कर दो 45, बताओ भाई कितना है 230 माइनस 45, ये 185 आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे है जी? एवरेज आएगी भाई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड कर लें, 30 प्लस 45 ये हो गया 75 डिवाइड बाय 2, 37,500, 75 डिवाइड बाय 2, 37,500। अब क्या करें, 185,000 डिवाइड बाय 37,500, आंसर आ रहा है हमारा 4.93 टाइम्स, ये हमने निकाला टाइम्स में। अगर डेज में निकालना होता तो एक तरीका तो ये है कि इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल, फिर मल्टीप्लाई करो तो 365 से। एक और आसान तरीका भी है डेज में निकालने का, अगर आप टाइम्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टाइम्स कितना आ रहा है 4.93, तो टाइम्स को डायरेक्टली डेज में कन्वर्ट करने के लिए 365 को डिवाइड कर दो किससे, 4.93 से, 365 डिवाइड बाई 4.933, तो ये डेज आ जाएंगे 73.9 या 74 डेज, सही ना, ये आसान तरीका है। अगर टाइम्स है आपके पास तो डेज में कन्वर्ट करना आसान है, और अगर आप डेज निकाल चुके हैं 74 डेज तो आप इसको टाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 365 को डिवाइड बाई 74 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम्स आ जाएगा सवाल में 4.933 टाइम्स। तो ये एक अल्टरनेट और शॉर्टकट तरीका है, अगर टाइम्स निकाल चुके हैं तो डेज में कन्वर्ट करना आसान, और डेज निकाल चुके हैं तो टाइम्स में